एक महीने में 1 करोड़ रुपया कैसे कमाएं, या हर महीने 1 करोड़ रुपया कैसे कमाना शुरू करें। मोस्ट ऑफ द जब मैं इस तरह के वर्ड्स या कीवर्ड सर्च करता हूँ वेब पे जाके, यानी कि यूट्यूब वगैरह पे जाके, देन दिस टाइप ऑफ हेडलाइंस आर बीइंग शोन देयर। और इस तरह की चीज़ें आप लोग भी ढूंढते रहते हो, राइट? लेकिन एक चीज़ आप क्यों नहीं देखते कि वो 1 करोड़ जो आएगा वो क्यों आएगा, क्यों आपको कोई देगा? व्हाट, देखिए हर जगह वैल्यू एक्सचेंज चलता है दुनिया में, हर जगह। अगर आप कुछ देते हो तो बदले में कुछ मिलता है, राइट? सो क्या है वो आपके पास जो कि आप देने वाले हो उसके 1 करोड़ के बदले में? क्या वो 1 करोड़ की स्किल है आपके पास, या फिर कोई ऐसा ट्रिक आइडिया क्या देने जा रहे हो आप जहाँ से वो 1 करोड़ आपको आएंगे? क्या उतना टाइम आप दे रहे हो? अगर टाइम दे रहे हो तो क्या उतना टाइम अपने स्किल बिल्डिंग के ऊपर लगाया है आपने? नो। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट सच अमाउंट ऑफ मनी? यार आप सिंपली देखो कि एक छोटा सा कोई कोर्स करने में, लेट से जो ट्रेडिशनली हम लोग, मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आपको एक MBA करने में कितना टाइम, 3 साल 4 साल या वट एवर जो भी टाइम लगता है वो टाइम, उसके बाद इतना अमाउंट उसमें जो इन्वेस्ट होता है वो, आपके इतने दिन की स्टडी, वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हो, नतीजा क्या होता है? 20,000 15,000 30,000 इसकी नौकरी मिलती है स्टार्टिंग में, ऐसा ही होता है ना? इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती, बिकॉज वहाँ भी जाते हो तो आपको बोला जाता है एक्सपीरियंस क्या है भाई, कोई टेक्निकल हैंड है, इस तरह की कुछ चीज़ें जानते हो? सो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और आप एक नई फील्ड में आते हो और किसी ने कह दिया आपको कि यार वहाँ तो करोड़ों बनते हैं, और आपके सीधे आपके करोड़ों आके ढूंढने लग जाते हो कि कैसे करोड़ों कमाएं। दिस इज़ नॉट द वे थिंग्स वर्क ब्रदर, आपसे बात कर रहा हूँ। यू नीड टू थिंक द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो इक्वेशन में देखा है ना, LHS और RHS होता है, तो LHS आपको दिखाई दे रहा है जो बड़ा बड़ा है, बट उसको RHS से आपको बराबर करना पड़ेगा। और RHS क्या है? योर स्किल्स, योर टाइम, योर मनी, दिस ऑल आर इन्वेस्टेड, देन एंड ओनली देन रिजल्ट्स कम। सो ब्रदर, इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड एंड लुकिंग फॉर सम मैजिकल ट्रिक्स और बिजनेस मॉडल्स दैट मेक यू करोड़ ऑफ रुपीज ओवरनाइट, आप इसके चक्कर में मत पड़ो, बिलीव मी। अपने स्किल के ऊपर काम करो, लर्निंग के ऊपर काम करो, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ। यस, थैंक यू सो मच, बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब वगैरह भी करना है, मैं बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब कोई नहीं करना है, ओके? क्योंकि ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, अलग तरीके का कंटेंट मिलेगा, जो ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट होगा वही मिलेगा। मैं ऐसे हेडलाइंस के साथ और ऐसी मैजिक ट्रिक्स के साथ नहीं आने वाला जो कि ओवरनाइट आपको 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपये बना के देने वाला है। अगर आप ही क्या ना ब्रदर, सस्टेन नहीं करेगा। सो अगेन, इस तरह के कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।